गूगल मैप को ऑटोकैड में कैसे कन्वर्ट करें, यही हम लोग आज के लेक्चर में सीखना चाहेंगे। कैसे गूगल मैप को ऑटोकैड में लाया जाए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। औरंगाबाद का एरिया में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पे गूगल मैप है, वैसे आप इस मैप पे भी जा सकते हो, जैसे मैं इस मैप पे गया और यहाँ से मैं एक कोई भी एक एरिया लेता हूँ रैंडमली, और उसको मैं इस साइड का हमें कंस्ट्रक्शन मिला है कि ये साइड को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये रोड टच एरिया है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए इसकी जगह हम लोग गूगल मैप में लेंगे और टोटल एरिया देखेंगे कि कितना आया है। तो सबसे पहले यहाँ गूगल मैप मैंने ओपन कर दिया है। गूगल मैप ओपन होने के बाद आपको यहाँ लेयर्स के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सैटेलाइट मोड में आने के बाद आपको आपका एरिया इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपको करना ये है, मुझे ये एरिया लेना है, उसके लिए मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे आपको मीटर दिखाई दे रहा होगा। 10 मीटर का एरिया हम लोग ने यहाँ पे स्केल के हिसाब से लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ 50 फीट दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 मीटर। आप चूज यहाँ से करेंगे कि आपको मीटर में लेना है या फीट में लेना है। इन माय केस मैं इसमें मीटर में लेना चाहता हूँ ये प्लान, जो कि ऑटोकैड में हमारा आएगा, एज वेल एज पॉसिबल स्क्रीन के ऊपर लेना है आपको। और इस एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यू नो दैट कीबोर्ड पे हम लोग फंक्शन या स्क्रीनशॉट दबाते हैं, अगर आपका लैपटॉप हो, अगर कीबोर्ड हो तो स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आपको जाना है पेंट में और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पेंट में ओपन कर देना है, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना आता है तो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको सर्च मोड में जाना है, यहाँ पे यस प्रेस करना है, यस यानी कि स्नैपिंग, आपको स्नैपिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू स्नैपिंग के ऊपर क्लिक करना है। न्यू स्नैपिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये एरिया जो कि मैंने मीटर यहाँ पे आपको बताया था, इस मीटर से लेके आगे तक लेना है, ताकि ये मीटर की स्केल आपको यहाँ पे दिखाई दे कि हाँ हम लोग ने इस मीटर में ये एरिया लिया था, जो कि हमारी स्केल यहाँ दिखाई दे रही है 10 मीटर की। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर दिया हम लोग ने, इसको सेव कर देंगे म्यूजिक में, ओके, और क्लोज। आपको अगर ये इमेज देखनी है तो म्यूजिक में जाके डबल क्लिक कीजिए, ये इमेज दिखाई देगी। लेकिन इसको ऑटोकैड में लेंगे कैसे, अब ये टोटल मैप ऑटोकैड में अगर लेना है हमें तो कैसे लेंगे, यही आज हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड ओपन करना होगा। मैं मेरे इंटरनेट को बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं मिनिमाइज करने के बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, ओके, ये मेरा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। कैड सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ यूनिट सेट करना होगा, यू एंड एन प्रेस करके आपको यूनिट सेटअप में जाना होगा और यहाँ पे डेसिमल 0.00 और यहाँ पे मीटर लेना होगा आपको, जो कि हमारा मैप मीटर में है तो हम लोग यहाँ मीटर में लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ आपकी इमेज रखी हुई है और इस इमेज को हम लोग इसमें लेना चाहते हैं। उसके लिए इस इमेज को आपको बटन होल्ड करके रखेंगे और डायरेक्टली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको मूव करना है, बटन छोड़ना नहीं है माउस का, और डायरेक्टली उठा के आपको आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में छोड़ देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो बार एंटर करना है, 1-2, ओके, तो ये आपकी मैप फाइल आ जाएगी। कि हमें अगर ये साइज जो चाहिए मीटर में इसी हिसाब से आए, हम लोग लाइन टूल के ऊपर जाते हैं और इसके एग्जैक्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि ऑर्थो से एफेट रहेगी हमारी लाइन, जो कि 10 मीटर से हमारी साइज रहेगी। जैसे कि ये लाइन हमारी कितने की है, 10 मीटर की है। होम टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे स्केल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये प्लान, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, मूव करके यहाँ से, ओके। अब देखिए ये लाइन जो है हमारी साइज है, ये लाइन कितने की, 10 मीटर की। अब देखो ये लाइन भी हमें 10 मीटर की ही, इस लाइन के हिसाब से हमें ये लाइन 10 मीटर स्केल लेनी है। हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ से, इस सेगमेंट से, आपको यहाँ के मिड पॉइंट से यहाँ तक क्लिक कर देना है,
ताकि आपको एक स्केल मिले कि ये जो सेगमेंट है ये होनी चाहिए हमें 10 की, जो कि नहीं है। तो ये लाइन अगर 10 की अगर हमें लाना है, ये जो सेगमेंट हम लोग ने ड्रॉ की है ये 10 मीटर की, लेकिन यहाँ पे जो स्केल दी है वहाँ पे भी एक सेगमेंट ड्रॉ की है वो 10 मीटर की है क्या? नहीं। तो हमें ये 10 मीटर को स्केल करना है इस लाइन से, इस गूगल मैप को हमें इस 10 मीटर के हिसाब से स्केल करना है। उसके लिए हमें इस लाइन के साथ जो कि हम लोग ने ड्रॉ की है उसके साथ इस इमेज को भी सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की यूज करना होगा AL, जो कि अलाइंस है, यानी कि हम लोग इसको अलाइंस करना चाहते हैं लाइन और इमेज को। तो AL प्रेस करने के बाद कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा, आपको यहाँ जाना है। तो यहाँ का एक सोर्स पॉइंट आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि जिस स्केल के हिसाब से आप लेना चाहते हो उस लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाई देगा स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, उसके लिए आपको फिर से जाना होगा यहाँ पे और यहाँ क्लिक कर देना होगा एंड पॉइंट के ऊपर, मैप के एंड पॉइंट के ऊपर, और जो हम लोग ने 10 मीटर की लाइन ली है उसके एंड पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड पे एंटर बटन दबाना होगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज यस और नो का दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे लिखा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, जिसको हम लोग यस करेंगे कि आपकी ये पॉइंट टू पॉइंट स्केल हो जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पे दो सेगमेंट अभी दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ, ये भी 10 की हो गई। फिर से जो पहली वाली लाइन थी वो भी 10 की हो गई, देखो मूव कर दिया मैंने। अब यहाँ अलाइनमेंट हो चुकी है हमारी, अब यहाँ डायमेंशन लेंगे तो हमारी डायमेंशन 10 की रहेगी और ये नीचे की लाइन भी 10 की रहेगी, देखो ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये कि ये मैप 10 मीटर के स्केल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी एरिया आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हो उस एरिया को आपको लेना होगा। तो मैं यहाँ कीबोर्ड पे F8 कर देता हूँ पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद, तो मेरा ये एरिया है यहाँ तक, ये ट्री से लेके हमें यहाँ तक नीचे लेना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल एरिया है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, ओके ये आ चुका है। अब इस एरिया को हम लोग सिलेक्ट करने के बाद देखो, ये पॉलीलाइन लेने के बाद पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, कीबोर्ड पे हमें LI प्रेस कर देना है, यानी कि लिस्ट। तो हमें यहाँ पे उसका एरिया दिखाई देगा और उसकी लेंथ दिखाई देगी, ये टोटली डिटेल्स हमें यहाँ से लेना है और यहाँ पे कॉपी कर देनी है और यहाँ पे हमें टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आ गया ओके। चलो अब दूसरा बाजू का भी एरिया, जो भी जिसका भी घर है वो एरिया भी हम लोग इसमें लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से पॉलीलाइन के ऊपर जाना होगा और ये एरिया भी हमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और उसका प्लॉट एरिया हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्लॉट एरिया जो भी रोड साइड छोड़ा हुआ है उसके बाद कितनी जगह इन्होंने बिल्डअप एरिया कितना यूज किया है वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद LI कर देते हैं और यहाँ पे देखो ये हमारा एरिया आ चुका है। मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ इस एरिया को, कॉपी करने के बाद फिर से मुझे टेक्स्ट पे जाना होगा, टेक्स्ट पे जाना होगा, टेक्स्ट पे आने के बाद मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ इसका एरिया डाल दूँ। आपको रोड अगर दिखाना है यहाँ का वो भी दिखा सकते हो, जैसे कि पॉलीलाइन के ऊपर जा रहा हूँ मैं, और यहाँ का अगर रोड भी आपको दिखाना है जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो आराम से आप रोड भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे ये रोड इस तरीके से हमारा आ चुका है। अगर रोड के लिए आप ऑफसेट देना चाहते हो तो आप ऑफसेट का यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा रोड कम हो चुका है, मैं आगे ले लेता हूँ ठीक है। या किसका भी एरिया अगर आपको देखना है तो इसी तरीके से देखेंगे, मैं ये मैप ले लेता हूँ, M स्पेस कर देता हूँ, साइट में ले लेता हूँ। तो ये है हमारा टोटल जो हम लोग ने यहाँ पे मूव कर देता हूँ ये टेक्स्ट को। तो ये प्लॉट है जो हम लोग यहाँ बिल्डअप करने वाले हैं, ये टोटल एरिया है, इसको बिल्डअप एरिया अलग होगा,
और ये बाजू का एक प्लॉट है जिसको हम लोग ने गूगल मैप से उठाया है। ये सब कुछ आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हम लोग ने गूगल मैप के ऊपर से एग्जैक्ट एरिया ले चुके हैं हम लोग, जो इस तरीके से हम लोग गूगल मैप टू ऑटो कैड कन्वर्जन कर चुके हैं। ये था एक बेसिक लेक्चर। अगर आपको और एडवांस अगर सीखना है तो बी परफेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।